Hello everyone, this is your third lecture of the short story, Three Questions. In our previous lecture, we have read that the king has gone to the hermit in search of his three questions, which he thinks that if he knows the answers of those three questions, he would never fail in any aspect of his life. And at that time, a bearded man with a large wound in his stomach came to them. The king dressed the wound of the man until the bleeding stopped. And what happens next? Let us read. The man felt better and asked for something to drink. जब किंग ने उसको उसके वाउंड्स को ड्रेसिंग कर दी उसकी तो मैन जो था बेहतर फील करने लगा पहले से और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. जो किंग था उसने फ्रेश वाटर लाया और उसको पीने के लिए दे दिया. By this time, the sun had set and the air was cool. और उस टाइम पे सूरज भी ढल चुका था और जो हवा थी वहां की वो भी ठंडी हो चुकी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग ने हर्मिट की मदद से उस wounded man को, जो bearded man था जिसको लगी हुई थी, उसको हट के अंदर ले गया और उसको बेड पे लेटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. उसके बाद उस मैन ने, जो wounded man था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सो गया. The king tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. जो किंग था वो भी थकावट फील कर रहा था क्योंकि उसने हर्मिट के हट पे पहुंचने से पहले ही अपने सारे घोड़े भी और जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन सबको छोड़ दिया था और वहां से वो पैदल आया था. उसके बाद उसने हर्मिट की हेल्प की थी डिगिंग के लिए, तो उस वजह से वो थक भी गया हुआ था और वो वहीं पे फ्लोर पे ही लेट गया और वो सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man lying on the bed was. When he awoke, awoke means awake की second form means जागना. जब किंग अपनी नींद से जागा तो उसको थोड़ा टाइम लगा ये पहचानने के लिए कि वो कहाँ पे है और जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन जो बेड पे लेटा हुआ है वो कौन है. उसको इस चीज के लिए याद ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ और जो कल रात क्या हुआ था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. तो जो bearded man था उसने क्या बोला, एक हल्की सी साउंड में उसने क्या बोला, forgive me means मुझे माफ कर दो. जैसे ही उसने किंग को देखा कि किंग जाग चुका है. I don't know you and have nothing to forget for you for, said the king. उसके बाद किंग ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें क्यों माफ करूं, किस चीज के लिए माफ करूं. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो जो मैन था, wounded man था, उसने क्या बोला कि तुम मुझे नहीं जानते. किंग को उसने बोला कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं. I am that enemy of yours who swore revenge on you. Swore means swore है second form swear की, means कसम खाना, promise करना कि मैं तुम्हारी वो enemy हूँ. Enemy means दुश्मन. मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो तुमसे revenge means बदला लेना चाहता था. Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी पूरी property seize कर ली थी. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता है कि तुम अकेले गए थे हर्मिट के पास और मैंने अपने माइंड में ये प्लान बना लिया था कि तुम्हें, जब तुम वापस अपने घर पे जा रहे होंगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा तुम्हारे घर के रास्ते में ही. But the day passed and you did not return. लेकिन पूरा दिन गुजर गया और तुम वापस नहीं आए. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तो इसलिए पूरा दिन बीत चुका और तुम वापस नहीं आए तो जहां मैं छुपा हुआ था मैंने वो जगह छोड़ दी और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ चल पड़ा.
क्योंकि बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तो मैं भी उनके बीच में ही शामिल हो गया एज अ बॉडीगार्ड बन के, लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं उससे को बच गया लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मुझे ड्रेसिंग्स नहीं करते, मीन्स तुम मेरे वाउंड्स पे प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी ही जान बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। तो दोबारा उसने वाउंडेड मैन ने किंग को क्या बोला कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें बिल्कुल सबसे ज्यादा फेथफुल सर्वेंट की तरह सर्व करूंगा, मीन्स बिल्कुल सही से सर्व करूंगा, बिल्कुल मीन्स कि मैं तुम्हें एक बिल्कुल वफादार सर्वेंट की तरह सर्व करूंगा और मैं अपने बच्चों से भी यही करूंगा कि तुम्हें ही सर्व करे, एक वफादारी के साथ तुम्हें ही पूरी जिंदगी सर्व करे, प्लीज मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। इसके बाद किंग बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी एनिमी को, अपने दुश्मन को इतनी आसानी से जीत लिया, इतनी आसानी से दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई, एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको जीत लिया अपने फ्रेंड की तरह, मीन्स पहले वो उसका एनिमी था अब उसका वो फ्रेंड बन गया और इतनी आसानी के साथ ये चीज हो भी गई। He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. King ने सिर्फ उसको माफ ही नहीं किया, लेकिन उसको ये भी बोला कि मैं ही तुम्हें he would send his servants, means मैं अपने servants तुम्हारे लिए भेजूंगा और अपना ही doctor तुम्हारे लिए भेजूंगा, तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारे checkup के लिए, and he promised to give back the man his property. और उसने उसको प्रॉमिस किया कि जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारी सीज की थी मैंने वो तब सब तुम्हें वापस दे दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। वाउंडेड मैन को किंग वहां से हट गया, वो वापस घर जाने लगा, लेकिन उसने जैसे ही हट के बाहर आया वो, तो वो इधर उधर देखने लगा कि हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे He wished once more to get answers to his questions. अपने घर जाने से पहले वो दोबारा चाहता था कि एक बार वो अपने answers दोबारा पूछ ले, अपने questions जो थे वो दोबारा पूछ ले ताकि उनका answer मिल सके। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. जो hermit था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और seeds लगा रहा था। जो पिछली रात को किंग ने हेल्प की थी उसकी ग्राउंड में बेड्स बनाने के लिए, डिगिंग के लिए, तो वहां पे वो सीड्स को लगा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माय क्वेश्चंस वाइज मैन। किंग उसके पास गया, हर्मिट के पास गया और उसने बोला कि लास्ट टाइम मैं आपसे बेग कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You have already been answered, means तुम्हें answer already मिल चुके हैं। Hermit ने ऐसा बोला कि तुम्हें answer already मिल चुके हैं। वो फिर भी वहीं बैठे हुए, जैसे वो बैठा हुआ था ground पे, उसी तरह से बैठे हुए और king को देखते हुए बोला कि तुम्हें अपने जो भी तुम्हारे questions थे उनके answers already मिल चुके हैं। How I have been answered? What do you mean? उसके बाद किंग ने उसको बोला कि मुझे आंसर कैसे मिल गए हैं, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? Do you not see? replied the hermit. तुमने नहीं देखा? हर्मिट ने ऐसा बोला किंग को कि तुमने नहीं देखा? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Pitted means I dented it. मीन्स देखना। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, कि अगर तुमने मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी कल रात नहीं देखी होती, कल शाम को नहीं देखी होती, तो तुमने मेरे लिए ये डेस्क जो बेड्स थे जहां पे उसने बीज वगैरह लगाने थे
तो तुमने मेरे लिए ये खुदाई नहीं की होती और तुम यहाँ से चले गए होते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. और अगर तुम वापस चले गए होते तो जो वाउंडेड मैन, जो बियर्डेड मैन था, जो उसका एनिमी था पहले, वो रास्ते में ही बैठा होता और वो उस पर अटैक कर देता अगर वो घर पे वापस जाता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जब तुम वो बेड्स डिग कर रहे थे, वो ग्राउंड में बेड्स डिग कर रहे थे, खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मैं ही सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था उस टाइम पे और मुझे ही मेरी हेल्प करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. आफ्टरवर्ड्स द मैन रैन टू अस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. और इसके अलावा कि जो मैन हमारे पास भागते हुए आया था उस टाइम पे, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आप तुम्हारे लिए कौन सा था? कि जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, तुम उसको ड्रेसिंग कर रहे थे. क्योंकि अगर तुमने उसको ड्रेसिंग नहीं की होती तो वो मर चुका होता और तुम्हारे साथ उसकी जो सेटलमेंट थी, जो भी एनिमीज थी उसकी, वो ख़त्म नहीं होती. जितने भी डिस्प्यूट्स थे तुम्हारे, वो ख़त्म नहीं होते. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. सो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान कौन था? वो था तुम्हारे लिए बियर्डेड मैन था. और एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. सो इसलिए ये चीज़ याद रखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है? जो अभी तुम्हारे पास है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है जब हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उस पर पावर को, अपनी जो भी क्षमता होती है वो लगा सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स. और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में तुम्हारे साथ हो. क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना है और हम फ्यूचर में किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो सब इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा होता है? कि जो पर्टिकुलर मूवमेंट में आपके साथ हो, वही तुम्हारे लिए उस टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या होता है? कि किसी की भी हेल्प करना, किसी की भी मदद करना, दूसरे इंसान की मदद करना. क्योंकि हम इसी पर्पज से इस वर्ल्ड में भेजे हुए हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करो. अगर हम किसी की मदद करेंगे तो दूसरा कोई और भी हमारी मदद करेगा. तो इसी तरह से एक चेन चलती रहेगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.